तेलंगाना के मुख्यमंत्री वजीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वजीर आला से ये कहा कि आप उसकी उसका पोस्ट करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है, स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और बीआरएस के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वो तेलंगाना के असेंबली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था तो उस वक्त बीआरएस की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि यूसीसी हमारे देश के प्लूरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। हमने बीआरएस के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है, ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है, उनका के कल्चर है और उसका तहफ्फुज करना। और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है, 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं। और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे मुल्क का प्लूरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लूरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव के बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में दो कानून कैसे होगा, तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में CRPC हर स्टेट में अलग है, हमारे मुल्क में दो कानून है, अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में CRPC का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते, तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते, तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागास को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती, उसका प्लूरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो RSS और BJP को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम CM से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाजे अल्फाज में, इन क्लियर कट टर्म्स, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS पार्टी UCC का पोस्ट करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज से भी बात करेंगे, हमसे भी कहा कि वो भी हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टीज से बात करें।
मैं तेलंगाना के और डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर कट, बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का अपोज करेंगे और देश में बहुत ज्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीजें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेटमेंट भी आएगा। और मैं आपके जरिए से हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त जो चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जगनमोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का अपोज़ करे। जो पार्टी प्लूरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत एक मोजाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगनमोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो 230 करोड़ रिलीज करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं, तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम हाँ ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा, और गच्ची बोली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है, हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोरिडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा मोटा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।